वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ़ शाहजहां बॉर्न ऑन फिफ्थ जनवरी 1592 एंड ही डाइड ऑन ट्वेंटी सेकेंड जनवरी सिक्सटीन हंड्रेड हिज मदर वॉज ए राजपूत प्रिंसेस नामड मानमती शाहजहां शाहजहाँ की जो माँ थी वो एक राजपूत प्रिंसेस थी उनका नाम मानमती था एंड हिज फादर वॉज एम्पायर जहांगीर शाहजहाँ का जो असली नाम था जो रियल नेम न, न, आ, नाम था वो बहुत लंबा था आला आज़ाद अबुल मुजफ़र शहाबल्दीन मोहम्मद खुरम बहुत ही लंबा नाम लेकिन हम उनको आ, निक नेम यानि प्रिंस खुरम के नाम से जानते हैं इजियर टू तो रेफ़र टू तो हिम एज तो प्रिंस खुरम तो उनको शार्ट जो नेम नाम दिया गया था प्रिंस खुरम

एट द एज ऑफ़ नाइनटीन शाहजहाँ मैरिड ए पर्शियन नोबल वूमन नेम्ड अर्जुमन बानू बेगम बट वी नो हर एज मुमताज महल उन्नीस साल की उम्र में शाहजहाँ शादी कर लेता है मुमताज महल के मुमताज महल के साथ उसका मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमन बानो बेगम होता है लेकिन हम उनको मुमताज महल के नाम से जानते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इन सिक्सटी ट्वेंटी सेवन शाहजहाँ सिक्योर हिज़ राइट टू रूल बाइक किलिंग हिज़ ब्रदर्स 1627 में जहांगीर की डेथ होती है तो शाहजहां और उनके बाई के दरमियान लड़ाई होती है तख्त के लिए लड़ाई होती है तो शाहजहां बाक़ी बाइयों को कत्ल कर देता है और तख्त हासिल कर लेता है उसी दौर में शाहजहां शाहजहां जो है शाहजहां की जो बीवी होती है मुमताज़ महल वो भी उसका भी इंतकाल हो जाता है एक मिलिट्री कैंपेन के दौरान मुमताज़ महल का इंतकाल हो जाता है 1631 में 1657 और 1658 में शाह शाहजहाँ बहुत बीमार होता है और वो अपने बेटे दारा शिको को अपनी जगह पर बिठाता है दारा शिका और जो उसके बाकी बाई हो बाई होते हैं और औरंगज़ेब दारा शिको औरंगज़ेब और जो बाकी बाई होते हैं उनके दरमियान जंग होती है तो जहांगीर जो औरंगज़ेब होता है वो दारा शिको को क़त्ल कर देता है और शाहजहाँ को वो कैद कर लेता है अपने ही फ़ादर को अपने ही यानी बाप को वो कैद कर लेता है क्योंकि उस दौर में शाहजहाँ काफ़ी बीमार होते हैं तो वो दारा शिको को अपनी जगह पर बिठाते हैं तो जहांगीर को ये गवारा नहीं होता है तो जहांगीर जो है वो दारा शिको के साथ जंग लड़ता है और दारा शिको को एग्ज़ीक्यूट करता है यानी कत्ल कर देता है तो ताकत हासिल कर लेता है इसी दौरान अपने फ़ादर को यानि शाहजहाँ को भी वो क़ैद कर लेता है शाहजहाँ की डेथ कैद में ही होती है उनको यानी क़ैद में आगरा फोर्ट में उनको क़ैद कर लेता है तो उसके बाद आ, 1666 में उसकी डेथ भी होती है शाहजहाँ की शाहजहाँ जो है वो ही वॉज अ लवर ऑफ़ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग्स यानी जो आर्किटेक्चर हम देखते हैं इंडिया में खासकर दिल्ली में जामा मस्जिद है रेड फोर्ट है या ताजमहल है वन ऑफ़ द सेवन वंडर्स तो उनको उन्होंने ही बनाया है मुगल कंपनीज़ कंटिन्यूड इन द डेकन अंडर शाहजहाँ शाहजहाँ के दौर में जो उनकी मुगल कंपनीज़ जो थी वो कंटिन्यू रही डेकन में साउथ इंडिया में ही डिफीटेड द अफगान नोबल खान जहां लोदी खान जहां लोदी जो है वो उनके उनको वो डिफीट देता है शाहजहां शाहजहां कम्पेंड अगेंस्ट अहमदनगर एंड बंडेलाज वेर डिफीटेड शाहजहां जो है वो कम्पेन करता है अहमदनगर के खिलाफ और बनडेलाज को शिकस्त होती है बनडेलाज को भी वो शिकस्त देता है बंडेलास क्या होते हैं राजपूत ऑफ सेंट्रल इंडिया ये बंडेला जो है ये राजपूत डाइनासिटी होती हैं उनको शिकस्त देता है और और वहाँ पे एक कैपिटल जो होता है बंडेला के कैपिटल था औरका औरका को भी वो सीज कर लेता है टू सीज़ बालक फ्रॉम द उज़्बेक्स एंड वाज अनसक्सेसफुल शाहजहाँ और एक कैंपेन चलाता है बालक जो अफगानिस्तान में होता है उसको उनको हासिल करने के लिए बालक को हासिल करने के लिए वो उस के साथ जंग लड़ता है लेकिन वो कामयाब नहीं रहता है लास्ट कंदहार टू सफावद सफावदस के साथ भी जंग करता है कंदहार हासिल करने के लिए तो कंदहार भी खो देता है इन 1632 थर्टी टू अहमद नगर वाज एन एग्जिट सिक्सटीन थर्टी टू में अहमद नगर जो है उसको कब्जा कर लेता है ये था शाहजहाँ के बारे में थैंक यू